क्या है रे, बहुत हिल डुल रहा है तू। वो आ गई। तो उधर जाके हिलना, इधर क्यों हिल रहा है? जाऊं क्या? अरे चल जा ना रे, जा जा चल। हाँ कैसी हो तुम? मेरे लिए यहाँ आई हो? मैं तुम्हें इतना पसंद हूँ। बहुत। मार डाला अभी भाई, मार डाला भद्रा भाई, मार डाला। क्या गुड़िया, इससे शादी करने के लिए तो अपने सगे संबंधियों को छोड़कर यहाँ आ गई? इससे बिना काम के हवा में घूमते हुए देखी, गांव में घूमते हुए देखी। जब ये हवा में घूम रहा था ना, तभी मुझे इससे प्यार हो गया। लेकिन जब ये गांव में घूमता था, गांव के सभी लोगों को प्यार करता था। बिना किसी रिश्ते के इसने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, तो मैंने भी सोचा कि इस गांव के लिए लड़ाई लड़ूं। इसलिए मैं उस गांव को छोड़कर इसका साथ देने के लिए हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई। ए, इन दोनों की जल्दी शादी करवा भाई। AK-47 का एंगेजमेंट कैसा होना चाहिए? धड़ 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 होना चाहिए। शुरू हो जाओ यादव। आ जाओ बैठो। श्रुति कुछ बोलो ना। तुम्हारे आने के बाद थोड़ी सी हिम्मत आ गई। वैसे तुम इन राक्षसों के बीच क्या कर रही हो? समंदर देखने में तो गंभीर दिखता है, लेकिन अंदर ढूंढोगी तो मोतियां मिलती हैं। अंदर की मोतियों को देखो, बाहर के समंदर को नहीं। यादव क्या है, तुम लोग समुंदर और मोतियों के बारे में बात कर रहे हो? मैंने तो पहले से सोने की चैन पहन रखी है। क्या है? अरे, हाँ? अरे कुछ नहीं बोलो। अरे मैं एक समुंदर का नहीं, 7 समुंदर का बोल रहा हूँ। लगता है यादव का डर अब किसी को नहीं रहा। ए, तू यहाँ क्यों खड़ा है? भैया हमको एक डाउट है। अरे भाई मुझे ही देख कर तुझे क्यों डाउट होता है? नहीं भैया, जब तुम अंदर गए थे तो शेर की तरह दिख रहे थे मुझे, जब बाहर आए ना तो बिल्ली की तरह दिखाई दे रहे हो। मुझे बताओ तुम्हारा सिचुएशन क्या है? 2 औरतों के बीच इज्जत निकल रही है मेरी, और तू यहाँ मेरी इज्जत निकाल रहा है। मैं तुझे बिहार ले जाकर इनकाउंटर कराऊंगा। अच्छा यादव, चारे, ए चारे। चारे कहाँ है? वो 3-4 दिन से घर नहीं आए हैं। क्यों, क्या हुआ बताइए? वैसे हम फोन कर रहे हैं लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा है। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, कभी बताकर नहीं जाते घर से बाहर। ये कौन है? मेरी बेटी है। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो। चारी को बोल दो पैसा देकर अपनी ये लड़की ले जाए। अरे रे, नहीं। ये बात बाहर पता चलना और तुम्हारी बेटी की जान चली जाना, दोनों ही याद रखना। छोड़ दो मेरी बेटी को। लाइफ में पहली बार श्रुति का हाथ पकड़ा था, उसी समय सोच लिया था इसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अभी भी वही बात है, कभी भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ बिना मारे। अरे सुकड़े। हाँ बोलो यार। मेरा जैसा बनेगा तो क्या करेगा? सुकड़ा होने की सोचूंगा। नहीं आपका सब काम हो जाएगा। यादव के रहते कोई काम रुका है क्या? अरे तू यादव को धमकी दे रहा है। कौन है? अरे देखो ना, मुझको धमकी दे रहा है। अरे तुझे धमकाने वाला कौन है? अरे फोन का बिल नहीं भरा है, कस्टमर केयर वाले हैं, बोलता है कि कनेक्शन कट कर देगा। इसकी इतनी हिम्मत जो कनेक्शन कट करेगा यादव का? अरे उसको पता नहीं है यादव हूँ। भाई ये चारी की बेटी है, पैसा मिलने तक यहीं रहेगी।
वो दाढ़ी वाला मेरे जैसे तुझे भी लेकर आया क्या? खाना खाओ गुड़िया, खाओ ना गुड़िया, ले लो ना। अरे ए यादव हटो, मैं डील करूंगा। चलो खाना खाओ। क्या है, आंध्र प्रदेश में जिसको खाना नहीं मिलता वो रामचंद्र जी को पुकारते हैं? तो तुम क्या हो, खाना खाने के लिए बोल रहा हूँ तो खाना नहीं खाती हो? तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, गली में जब बच्चा खाना खाने के लिए रोता है तो माँ कहती है खा ले, नहीं तो यादव आ जाएगा, यादव को दिखाऊंगी, यादव लेके जाएगा, ऐसा डरा के लोग खिलाते हैं, वही यादव मैं हूँ। खाना खाओगी या मार खाओगी? तुमने यादव को नहीं मारा, यादव के इज्जत पे हाथ डाला, मेरे फोर फादर है, तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर लूंगा। इसके चार पिता हैं। अरे फोर फादर का मतलब बापों के बारे में नहीं है, दादा परदादाओं के बारे में है। खाना खा लो गुड़िया। अरे तू रुक, तुम मेहमान बनकर आए हो या हम तुम्हें उठाकर लाए, इस बात को बाजू में रखो। हमारे घर आई हुई तुम पहली लड़की हो, तुम नहीं खाओगी तो हम में से कोई नहीं खाएगा। तुम अगर प्लेट फेंक दोगी तो मैं जाकर दूसरी प्लेट लेकर आ जाऊंगा। लेकिन इसको देखो, तुम जंगल में घूम घूम कर सूख गया है, अगर ये एक बार नहीं खाएगा तो मर जाएगा बेचारा। अगर तुम चाहते हो तो हम लोग भूखे ही रह जाएंगे। सुनो, अब अगर इसे तुम मारना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, अब सब तुम्हारे हाथ में है। ए, इसको मस्का मारने की जरूरत नहीं है। ए, ए, खा ले। तो क्या तकलीफ है, मैं बात कर रहा हूं ना। अब मुझे जल्दी सोना है, सुबह वो फोन करेगी। तुम बुरा मत मानो गुड़िया, वो आईने की तरह है, तुम नफरत करते हुए सामने खड़ी रहोगी तो वो दुश्मन ही नजर आएगा, अगर तुम प्यार से उसके सामने खड़ी रहोगी तो वो आसमान जितना प्यारा दिखेगा। उसी प्यार के कारण ही मैंने कितनी बार यहां से भागने की कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाया। मैं भी भागना चाहती हूँ। भागने का? भाग जाएंगे। तुम पहले खाना खाओ, बाद में भाग जाना। कब? रात में। अब खाओ। रात में निकल चलेंगे ना? रात में। पत्रा उठो, पत्रा पत्रा उठो, जल्दी करो, उठो पत्रा, नहीं तो वो दाढ़ी वाला आ जाएगा। अरे उठो, उठो ना। अरे यादव। अबे तेरी मच्छर की, यादव को काटता है। चलो एक पैग मारता हूं, यादव को नींद आ जाएगी। ज्यादा नहीं पीऊंगा, बस दो पैग मारूंगा वरना पेट में गड़बड़ी हो जाएगी। चलो नींद ही लेता हूं। अरे मुझको डर नहीं लगता है, वापस मारता हूं। अरे ये क्या है भाई, ये तो राम गोपाल वर्मा का सिचुएशन लग रहा है। यादव किसी सिचुएशन से नहीं डरता। अरे दारू कहाँ गई? सुकड़े, सुकड़े उठना। क्या है रे? अरे वो आ गई रे। तो बाथरूम में जाना मुझे क्यों उठा? अरे वो मतलब वो भूत आई रे। भूत नहीं आई है, यादव बोलो चली जाए। यादव को मतलब तुझे मालूम नहीं क्या? मुझे मालूम है भूत क्या है।
अरे चीचा उठ उठ चीचा, ऐसा करे तो वैसा करेंगे, वैसा करे तो भला करेंगे, भला करे तो करेंगे। सुगड़े, ए सुगड़े। अरे क्या है रे, मिमिक्री कर रहा है तू? तू मेरे साथ मिमिक्री कर रहा है हा? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कंप्लेंट कराने। पुलिस स्टेशन जाएगा तो कोई मिनिस्टर की औलाद है क्या? नेक्स्ट स्लाइड समझ के गोली मार देंगे, सो जा। अरे मुझे कितनी जोर से सुसु आई है, कम से कम सुसु करने के लिए तो चल तू। एक पैक क्या पी लेता है, जीना हराम कर देता है। चल ए, कहाँ जा रहा है? मुझे नींद आ रही है। अरे साथ में आए हैं, साथ में जाएंगे, जंगल में कसम एक साथ खाए तो एक साथ मरेंगे। आ जा मेरे साथ तू। जंगल की बात थी, घर की थोड़ी। अरे कोई बात नहीं, जो मुझे छोड़ के चला गया। सुकड़ा बहुत गंदा हो गया है, सोने के लिए बोल रहा है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। यादव किसी से डरता नहीं। अरे पेरी तो देखता हूँ। अरे मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ। अरे मुझे कोई बचाए तो बचाओ मुझे, कोई बचा ले मुझे, कोई बचा ले। तुझे भी भूत दिखाई दे रहा है क्या? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचा लो मुझे, कोई बचा लो मुझे, मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या पानी चाहिए? क्या इसको हुआ? ये क्या क्या रे? दोबारा यहां से भागने की कोशिश करोगी तो जिंदा नहीं बचोगी। जाओ जाके सो जाओ।